हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रफुल महाजन और आज मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ फिर से अप्लाइड मैकेनिक्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, और इसमें आज हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। जिसने भी अगर पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आज आप जाकर के हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, पिछले वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। यह हमारे सामने आज के क्वेश्चन है अप्लाइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बता रहा है कि यूनिट ऑफ द फोर्स इन SI सिस्टम, मतलब बताना है SI प्रणाली में कि जो बल है आपका, है ना, बल की उपयुक्त इकाई क्या होगी। जैसे कि आपने देखा होगा, ये इकाई वर्ड जैसे आपका आया है, काफी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, इकाई इकाई मतलब कि जो भी आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम बात करते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या काम करते हैं, यूनिट्स का यूज करते हैं। ठीक, हमने देखा जो आपकी कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती है और कुछ आपने देखा था डिराइव्ड यूनिट्स होती है। ठीक है, तो इस दो तरह से हम क्या काम करते हैं, यूनिट्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं, और यही हमारी यूनिट्स होती है। यूनिट्स मतलब कि उससे उसकी पहचान की जाती है, उस क्वांटिटी की। ठीक, हमने देखा कि जैसे हमारे नाम के साथ में हमारा सरनेम लगता है, सेम वैसे ही हमने देखा जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके साथ में हम ये जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, किलोग्राम, केजीएफ, किलो और फिर किलोग्राम मीटर, न्यूटन, ये सारे के सारे उनके सरनेम्स है। ठीक है, ऐसा हम उसे समझ सकते हैं। तो यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि SI प्रणाली में बल की उपयुक्त इकाई क्या होगी। तो इसमें हमें अपना राइट आंसर बताते चलना है कि भाई ऐसी कौन सी यूनिट होगी जो कि हमारी यूनिट हो, जिसकी अगर हम बात करते हैं SI प्रणाली में बल की यूनिट होगी, तो राइट आंसर है हमारा न्यूटन। न्यूटन जो है हमारी, ये है हमारी बल की सही इकाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारा पहला आंसर हो गया। आगे आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं, दिखा दू जस्ट वन मिनट, चलिए देखते हैं आगे कि अगला क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है कि हमारा जस्ट वन मिनट कि किसी भी कण पर, भाई जो आपका कोई कण है उस पर लग रहे जो भी बल होते हैं, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, मतलब कि जो कोई भी कण होता है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे होते हैं, ठीक है, वो किस किस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये हमें बताते हुए चलना है। ठीक है, किसी कण पर बल का प्रभाव उस किस पे निर्भर करता है, हमें ये बताना है। ठीक, पार्टिकल है, कोई बॉडी है, उसके ऊपर हम जो उसके ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है, तो वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमें बताना है। तो हमारे पास में इसके लिए ऑप्शन दी हुई है। अगर हम देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं, तो पहले ऑप्शन में हमें बता रहा है डायरेक्शन की, सेकंड ऑप्शन में बता रहा है डायरेक्शन के अलावा हमें दिया है उसकी मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड के अलावा अगर हम बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, ये हमारा थर्ड ऑप्शन दिया है, और फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा पोजीशन ऑफ लाइन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो मैं राइट आंसर बताते हुए चलना है कि इसमें से हमारा सही उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, इनमें से किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है जब भी हमें जैसे कोई बॉडी है, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, किसी कण पर बल का प्रभाव, अब ये जो कण है इसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, ये आगे मूवमेंट करेगा, इधर इस साइड मूवमेंट करेगा, ये ऊपर मूवमेंट करेगा, या नीचे मूवमेंट करेगा, या गोल गोल रोटेशन मोशन करेगा, या कैसे मोशन करेगा, या जो भी इफेक्ट होगा वो क्या प्रभाव दिखाएगा, वो बता है किन किन चीजों के ऊपर निर्भर करता है। तो हमें अभी अपने देखा कि दिशा दिया था पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया था परिमाण दिया था, तीसरा ऑप्शन दिया था पोजीशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जो हम उसपे कार्रवाई की रेखा की स्थिति को बोल सकते हैं, या उपयुक्त में से सही। तो आपको राइट आंसर हमें बताते हुए चलना है, और हम देखते हैं हमारा राइट जो आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी, जो हमारा है राइट आंसर है, जो कि इसमें कहा गया है उपयुक्त सभी, सारे के सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट ऑप्शन है। दिशा की जरूरत भी होती है, हम पता तो चले कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ हमें इसके परिणाम की जानकारी भी होना चाहिए, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, कि हम किस मैग्नीट्यूड का उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फिर
पोजिशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन है, अगर हम इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे तो बॉडी ऑब्वियसली है इधर आगे की तरफ मूव करेगी, इस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे तो बॉडी इस तरह इस साइड में मूव करेगी। तो हमने देखा कि ओवरऑल कि ये सारी चीजें हमारे डिपेंड करती है अगर किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में बॉडी में क्या मूवमेंट होगा, इन सारी चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में हमें बताया है कि क्वेश्चन को पढ़िएगा जरा ध्यान से, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, जैसे बताया है इन ऑर्डर टू डिफाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वी मस्ट नो, ठीक है, हमें इसमें बताया है कोई बॉडी है या कोई वस्तु की अगर बात किया है पर काम करने वाले बोला है बलों के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए हमें यह जानना चाहिए, मतलब इनमें से जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें से आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए ये बताया है, ठीक है। एक सेकेंड जरा मैं थोड़ा इसको पीछे कर दूं, इसमें राइट आंसर आपको ऐसे पता चल गया है, पहले जिसमें दिखाया है कि इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात की है कि इसमें क्या इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, दूसरे में बात किया है मैग्नीट्यूड के अलावा इसके डायरेक्शन की बात किया है, डायरेक्शन ऑफ द लाइन अलोंग विच इट टेक्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्थ थर्ड में किया है नेचर एंड पॉइंट थ्रू विच इट एक्ट्स, मतलब इसकी प्रकृति और बिंदु जिसके माध्यम से यह कार्य करता है, और लास्ट में दिया था हमें ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो हमने देखा कि हमारा जो लास्ट ऑप्शन है जो राइट आंसर है वो लास्ट ऑप्शन राइट आंसर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जस्ट वन मिनट, फोर्थ क्वेश्चन की अगर हमने बात की है तो फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू सेम पॉइंट आर कॉल्ड, मतलब हमें बताना है कि वो कौन सा उन बलों को जिनकी कार्यवाही की रेखा एक ही बिंदु पर, ठीक है, मैं ध्यान दीजिएगा सवाल को क्या कहा है, यहाँ बोल रहा है बात कर रहा है उन बलों को जिनकी कार्रवाई मतलब उसके ऊपर हम जो फोर्स लगा रहे हैं एक ही बिंदु से गुजरती है कहा जाता है, ठीक। इसमें दिया है फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन पासेस सेम पॉइंट आर कॉल्ड, मतलब ऐसे बल की जिनकी लाइन ऑफ एक्शन है ना वो एक ही पॉइंट से एक ही बिंदु से गुजरती है, ठीक, तो उन्हें किस तरह के बल कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है कॉन्करेंट फोर्स, ऑप्शन सेकंड दिया है कोप्लेनर, फिर थर्ड दिया है एक्सियल फोर्स और फोर्थ दिया है नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। तो आपने जैसा कि पिछले क्लासों में थ्योरी क्लासेस में पढ़ा है कि भाई कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं, कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, एक्सियल फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन करेंट फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कॉन्करेंट मतलब समवर्ती बल, कोप्लेनर बल, अक्षीय बल और गैर समवर्ती बल, इनमें से हमें राइट आंसर बताते हुए चलना है कि ऑप्शन हमारा क्या राइट आंसर होगा। तो जैसे थोड़ी देर पहले ही आपने देख चुका है कि राइट आंसर अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को अगर हम बात करते हैं कि एक सेकेंड, हमने देखा जो फोर्थ वाला हमारा आंसर है, फर्स्ट वाला जो आंसर है वो हमारा राइट आंसर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो जो हमारा गैर समवर्ती जो बल है कंकरेंट फोर्स है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भाई अगर हम देखें तो जब हमारा जो फोर्स होता है किसी एक पॉइंट से होकर के गुजरता है तो उस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो जो कंकरेंट फोर्स होता है, कंकरेंट फोर्स को अगर आप समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहूँ कि ओके एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, वो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा था जिसमें कि आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही बार बार, चलिए हम समझते हैं। फर्स्ट हमारा व्हेन अ बॉडी हिंज्ड एट अ पॉइंट इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट दैट पॉइंट द मूवमेंट कॉज्ड बाय द फोर्स इज कॉल्ड, मतलब इसमें बताया है जब एक बिंदु पर टिका हुआ जो वस्तु होती है उस बिंदु को मोड़ने में सक्षम होता है तो बल के कारण आने वाले जो प्रभाव है या फोर्स है उसको क्या कहा जाता है। तो उसमें ऑप्शन दिया है आपको ट्विस्टिंग मूवमेंट, अगला दिया है बेंडिंग मूवमेंट, फिर नेक्स्ट दिया है टर्निंग मूवमेंट और उसके आगे दिया है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसमें से राइट आंसर बताते हुए चलना है कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, ठीक।
पहले दिया था हमारा कौन सा, ट्विस्टिंग, फिर दिया था बेंडिंग, फिर दिया हमारा टर्निंग, और फिर लास्ट में दिया ऑल ऑफ द अबव। तो ये राइट आंसर की बात अगर हम करते हैं, एक सेकेंड, तो हमने देखा कि इसको ट्विस्टिंग मोमेंट मतलब ट्विस्ट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे कपड़े होते हैं, कपड़े धोने के बाद में जब हम सुखाते हैं तो उसको ट्विस्ट करके उससे पानी निचोड़ा जाता है। बेंडिंग मोमेंट की अगर बात करते हैं, कोई सीधी सी रॉड लगी हुई है, उसको दोनों साइड से अब जब उसमें कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होगी, बैंड होगी, या तो ऐसी बैंड होगी या फिर इस तरह से बैंड होगी, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं टर्निंग मोमेंट। टर्निंग मोमेंट मतलब आपने देखा होगा जब आप सड़क से चल रहे होते हैं, आपकी गाड़ी चलती होती है और अचानक से ऐसा टर्न आ जाता है, यू टर्न आ जाता है, ठीक है। तो ये टर्निंग की बात किया है या इनमें से बोला है उपर्युक्त में से सभी, तो क्या राइट आंसर होगा हमें यह आंसर बताते चल रहा है। तो हमारा राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर यह हमारा होगा टर्निंग मोमेंट। तो इस तरह से आपने आज थोड़ी कुछ कामयाब भी रही है, पर लेकिन आपने सारे क्वेश्चन आज देख लिए। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि जो एसआई प्रणाली है बल का उपयुक्त मात्रक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमने देखा था कि न्यूटन जो होगा हमारा बल का एसआई मात्रक होगा। सेकंड क्वेश्चन की हमने बात किया था किसी कण पर बल का प्रभाव उसके किन चीजों पे ऊपर निर्भर करता है, पार्टिकल्स पर। तो हमने देखा था कि दिशा, परिणाम और जो पोजिशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, तो ये सारी चीजें जो होती है ये बल के प्रभाव को डिपेंड करती है, ठीक। थर्ड ऑप्शन हमने देखा, हमने देखा कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वी मस्ट नो, मतलब हमने देखा कि भाई अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उससे इफेक्ट जो हमें मिलता है, ठीक है, या उसके ऊपर जो फोर्स एक्टिंग करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो हमने देखा इसमें से जो राइट आंसर हमारा था ऑप्शन नंबर थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वो थर्ड वाला था, ठीक है, थर्ड ऑप्शन था, ठीक। फिर लास्ट ऑप्शन हमने देखा कि भाई जब हमने देखा कि जब कोई बॉडी होती है उसमें पूरे के पूरे जो हमारे फोर्स होते हैं उनका क्या होता है कि लाइन ऑफ एक्शन एक ही होती है, पॉइंट्स आकर के मिलने की। जैसे कि मान लीजिए समवर्ती बलों की अगर हम बात करते हैं तो ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये आने वाला फोर्स एक दूसरा आने वाला फोर्स यहाँ पर ही आकर मिल रहा है, तीसरे आने वाला भी यहाँ पर ही मिल रहा है, चौथा भी यही मिल रहा है। तो इस तरह का जो फोर्स होता है इसे बोलते हैं कंकरेंट फोर्स, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से राइट आंसर हमने समझते हुए चला है, ठीक। तो चलिए इसी तरह आप वीडियो को देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।